केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंदौर के बड़े कारोबारी उमेश सहारा सहित उसके सहयोगियों पर लगभग 188 करोड़ के घोटाले में केस दर्ज किया है। सीबीआई की एक टीम ने सहारा के मुंबई, इंदौर, बेंगलुरु सहित 6 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। एजेंसी ने सभी जगहों पर फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। सीबीआई एसपी एम विश्रुति के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम राजेश डी शर्मा ने 29 मई 2021 को मैसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड और उसके कर्ता धर्ता उमेश सहारा, साकेत बड़ौदिया, आशुतोष मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़ा की शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंक अफसरों ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान डायवर्जन, सट्टा, लेन देन, कंसोर्टियम, बैंक खातों में बिक्री की रूटिंग ना करने की और 7 सिस्टर कंपनियों के साथ लेन देन में गड़बड़ी कर उधार देने वाले पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, देना बैंक, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स सहित अन्य के साथ गबन किया। एसपी के मुताबिक सीबीआई ने मामले की जांच की और 14 जून को इनके विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। सीबीआई अफसरों के मुताबिक घोटाले में कुछ अफसर भी शामिल हैं। सीबीआई ने 6 टीमें बनाकर आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।